आज जन्माष्टमी था, इसलिए गोपी मीनू की मम्मी उन्हें दही हांडी तोड़ते दिखाने ले जाती है। वहाँ गोपी मीनू देखते हैं कि हांडी बहुत ही ऊपर बंधी हुई है। बाप रे मम्मी, दही हांडी तो बहुत ऊपर बंधी है, इतनी ऊपर कैसे तोड़ेंगे? दिमाग लगाएं तो आसमान से चांद तारे तोड़ सकते हैं। दही हांडी क्या चीज है? हाँ देखो, ये ग्रुप कैसे चढ़कर अभी तोड़ देगा। लगता है इस बार कोई भी ग्रुप हांडी तोड़ नहीं पाएगा। अभी लंच ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक के बाद फिर मटकी तोड़ने का ट्राई करेंगे। अंकल, अगर फिर भी नहीं तोड़ पाए तो? नहीं तोड़ पाए तो शाम को रस्सी नीचे करके उतार लेंगे और हम लोग और हमारी सोसाइटी हार जाएगी। मैं हारने नहीं दूंगा, मैं तोड़ूंगा मटकी। तू तोड़ेगा, वहाँ बड़े बड़े नहीं तोड़ पा रहे हैं। मैं तोड़ूंगा। चल घर चल, वरना मटकी नहीं मैं तुझे तोड़ दूंगी। मम्मी, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शाम को आकर देख लेना, कोई नया ग्रुप आकर तोड़ देगा। घर जाकर भी गोपी जिद करता है। मैं मटकी तोड़ूंगा, मैं गोपी हूँ। अरे बेटा, मटकी गोपी नहीं किशन तोड़ते हैं, यानी कृष्ण भगवान। गोपी तो मटकियाँ तोड़वाती थी। तो आज एक दिन के लिए मुझे कृष्णा बना दो, पर मटकी तो मैं ही तोड़ूंगा, उनसे नहीं टूटेगी। तू कैसे तोड़ेगा जब बड़े बड़े नहीं तोड़ पा रहे हैं? काश मुझे उड़ना आता तो मटकी तोड़ देता। जाओ जाकर थोड़ा आराम करो, शाम को मटकी तोड़ते हुए देखने जाना और मजा भी आएगा, कोई ना कोई ग्रुप तो तोड़ ही देगा। अपने कमरे में जाकर भी गोपी जिद करता है। दीदी, सब कहते हैं आपके पास बहुत दिमाग है, आप कुछ दिमाग लगाओ ना, मुझे कृष्णा बनाकर मटकी तोड़वाओ। मैं क्या परी हूँ जो तुम्हें लेकर ऊपर उड़ जाऊँ और तुम मटकी तोड़ दो? पिक्चर और सीरियल की दीदी अपने छोटे भाई के लिए कितना कुछ करती है, और तुम दीदी कुछ काम की नहीं। काश मेरी भी दीदी पिक्चर और सीरियल वाली दीदी जैसी होती। ओके चल चल, तू कृष्णा की तरह तैयार हो जा। अगर नया ग्रुप भी मटकी नहीं तोड़ पाएगा तो मैं तुझसे तोड़वाऊंगी। सच्चे दीदी? हाँ, जाओ मम्मी से कृष्णा की तरह तैयार हो जाओ। शाम को गोपी कृष्णा की तरह सर पर मुकुट मोर लगाए, हाथ में बंसी लिए, बहुत ही प्यारा सा क्यूट बनकर मम्मी पापा के साथ मटकी देखने जाता है। मीनू ने एक बड़ा सा शॉपिंग बैग टाइप अपने साथ ले रखा था। वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक ग्रुप मटकी तोड़ने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ा है, और मटकी तक पहुँचते ही है कि तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिर पड़ते हैं। यह देख सभी चिल्लाने लगते हैं। उफो, लगता है इस बार रस्सी बिना मटकी फोड़े ही उतारनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था इतनी ऊपर मत बांधो, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। अंकल, अगर आप मेरी सुने तो मैं मटकी फोड़ सकती हूँ। अरे बेटा, मटकी तो मैं भी फोड़ सकता हूँ, पर कृष्णा बनकर ऊपर जाकर फोड़ना है, नीचे लाकर नहीं। मैं भी तो वो ही कह रही हूँ, नीचे लाकर नहीं, कृष्णा को ऊपर भेजकर। कैसे? आप हाँ कहो तो मैं फुड़वा कर दिखाती हूँ। हाँ, बड़े बड़े ग्रुप कोशिश कर चुके हैं, अब तुम भी कर लो। ओके, अभी फोड़ती हूँ। मेरे कृष्णा आ जाओ। ये नन्हा कृष्णा क्या मटकी तोड़ेगा? भैया, नन्हे कृष्णा ही मटकी तोड़ते थे। मेरे कृष्णा, मटकी तोड़ दो। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।